हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए रोमांस एंजल से और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आज के लिए हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो काफ़ी हद तक किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस निकल के आते हैं, डायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा डायरेक्टली इंटेंशन इनडायरेक्टली आपकी हीलिंग हो जाए, छोटे से लेवल से ही या तो वो हो जाए, बस यूनिवर्स यही रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रोमांस एंजल्स बताएं This could be the one. Express your love. Give your relationship a chance. True love. Worth waiting for. And six card in the aaj mein. And love yourself first. आज के दिन है ना काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ दिन भर से, 24 जून 24 6 6 नंबर जून का और 2022 अगेन 6, तो ट्रिपल 6 पोर्टल की एनर्जी एंड मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक आपके लिए। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यही वो पर्सन है जिनकी तलाश आपको थी, जिसकी तलाश आपके सोल को थी शायद। तो वो पर्सन मतलब आप जिनको ढूंढ रहे हैं, आपका सोल जिनको ढूंढ रहा है, दिल जिनको ढूंढ रहा है, ये पर्सन शायद वही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तब हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अभी खुद से प्यार तो मतलब कैसा होता है, खुद का ख्याल रखना, लाइक ग्रूमिंग हो या फिर अपनी हीलिंग हो या इमोशनल जो भी हीलिंग हो, उससे अपनी एनर्जी इंक्रीज होती है। अपने आप से प्यार करना कि मैं वर्दी हूँ, मैं ये अफर्म करना हमेशा, इससे क्या होता है कि एनर्जी और चेंज होता है हमारा, और वही चीज़ हमें हर चीज़ दिलाती है। सिर्फ प्यार ही नहीं, वो सब प्रॉस्पेरिटी ही आपके तरफ अट्रैक्ट, मतलब आप मैग्नेट बन जाते हो और चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट योर एज वर्क इज एट वर्क इन योर लाइफ। वर्थ वेटिंग फॉर, तो जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो वर्थ वेटिंग फॉर मतलब ये इंसान इंतज़ार के काबिल, मतलब यही पर्सन थे जिनका आपको इंतज़ार करना चाहिए था, ऐसा मैसेज है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये पर्सन आपके ट्रू लव है, ये स्पेसिफिक मैसेज। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस और एक्सप्रेस योर लव। तो मुझे ऐसा लग रहा ना, ये दो कार्ड जैसे बता रहे हैं कि आपने ऐसा लग रहा ना कि उनके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हो, हार्ट ब्लॉकेजेस क्रिएट करो। तो ऐसा है कि अगर आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो उनकी तरफ से भी वही रेसिप्रोकेट होगा। ओके, ने कहा 6 कार्ड करना, आई वॉज कन्फ्यूज। काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब ट्रू लव आया है, दिस कुड बी द वन, यू कंप्लीट मी, स्पेसिफिक मैसेज है, यू कंप्लीट मी। क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, यू कंप्लीट मी, आप उनको ना अधूरे से पूरा करते हो। बहुत ज़्यादा सोलमेट की वाइब आ रही है। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बींग, आपके जैसा इंसान ढूंढना मुश्किल है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, आप ही उनकी गलतियाँ माफ़ कर सकते हो, वरना किसी के भी इतनी ताकत नहीं है कि इनकी गलतियाँ बर्दाश्त करे बार बार जो होती है। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन, आप सिर्फ उनकी गलतियाँ नहीं बर्दाश्त करते, आप उनके हर तकलीफ में दुख में साथ भी देते थे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत फील हो रहा है अभी वो। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, तो ये आपके बारे में ना एक फ्यूचर में एक दूसरे के साथ के फ्यूचर दिखते हैं, लाइक सपने दिखते हैं, एक दूसरे का साथ हो ये ऐसा फ्यूचर के सपने दिखते हैं। पता नहीं मैं वर्ड्स में क्यों कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। लास्ट इज, यू हैव अ मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग,
तो आपकी फीलिंग्स को, आपकी टच को, आपकी जो मतलब आपका जो एहसास है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि वो एक हीलिंग की तरह काम करता है। तो जब भी आपसे मिलते हैं ऐसा लगता है ना, सब कुछ लाइफ में ना जो प्रॉब्लम्स है ना वो फिक्स हो रहे हैं, या उनका जो इवन जो भी है एक एनर्जी ही चेंज हो जाती है। यहाँ से भी सिक्स कार्ड, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, बहाने से आपसे बात कर सकते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट, तो आप जैसे ना एक दूसरे के लिए ही बने हों, एक दूसरे के लिए, और वो भी ऊपर वाले ने, रब ने बना दी जोड़ी वाली फीलिंग उनको आ रही है। फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर सता रहा है। यू आर माई लक्की चार्म, आप उनके लिए ना एक लक की तरह काम करते हैं, ये उनको एहसास हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव और एक्सप्रेस योर फीलिंग, मुझे लगता है कि करना तो चाहते हैं, ये अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, अचानक से मिलने आ सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी के ख्याल है आपके साथ, वंडरफुल फ्यूचर भी देखा जा रहा है, सपने देखे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से जो एक कमिटमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, बहुत पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव है रीडिंग एक्चुअली, ठीक है, पॉजिटिव है। एंड बहुत होप है, मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से मैसेज कॉल आएगा, क्योंकि बहुत मतलब बात करने का मन है, आपसे मिलने का मन है, आपको देखने का मन है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मन है। तो ऐसा ही हो, आमीन। तो बहुत एक्साइटेड है, लेट्स सी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।